नमस्कार। इस बार हम देखेंगे श्रेणी या अनुक्रम या हायरार्की कैसे बनाते हैं डेटा के साथ। अब तक हमने काफ़ी डेटा क्लीनिंग की बात की है, डेटा इंपोर्ट कैसे करना है, उसको साफ कैसे करना है और उसको बेहतर कैसे बनाना है। रिलेशनशिप प्रॉपर्टीज और ग्रुप्स हम देख चुके हैं, अभी देखते हैं हायरार्कीज या श्रेणी। श्रेणी कब बनता है? जब एक से ज़्यादा लेवल होते हैं तभी श्रेणी बनता है। कंट्री है, कंट्री के अंदर सिटी है वैसे, या कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी है, उसके अंदर प्रोडक्ट है, ऐसे बनाना है उसको बोलते हैं हायरार्की। कैसे बनता है? ये इसी फील्ड लिस्ट में बनता है। राइट क्लिक करेंगे, न्यू हायरार्की, तो हायरार्की वो बना देगा। उसका नाम चेंज करेंगे डबल क्लिक करके, उसको हम बोलेंगे लोकेशंस। फिलहाल लोकेशन के अंदर सिर्फ कंट्री है। सिटी को कैसे डालें? सिटी पे राइट क्लिक करके ऐड टू हायरार्की लोकेशंस, हो गया। बस इतना आसान है। और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, इसमें कैटेगरी पहले है इसलिए कैटेगरी पे न्यू हायरार्की, बाकी आइटम पे राइट क्लिक करके ऐड भी बोल सकते हैं, या सिंपल तरीका है ड्रैग ड्रॉप करें तो कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी आता है। तो सब कैटेगरी को ड्रैग करके कैटेगरी के नाम के ऊपर ड्रॉप करना है तो उसके नीचे आ जाएगा। वैसे ही बाकी मैं करता हूँ। तो ऐसे हायरार्की बनता है। हायरार्की बनने के बाद सेम जो कॉलम है बाहर भी रहता है, अंदर भी रहता है। अगर आपको ये बाहर वाले कॉलम अलग से यूज करने हैं तो उनको रखिए, नहीं तो उनको हाइड कर देंगे तो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, हायरार्की तो बन गया, अभी उसको कैसे वापरते हैं वो देखेंगे। तो हम लोकेशंस हायरार्की यूज करेंगे। मैं ड्रैग और ड्रॉप कर रहा हूँ, ये सिटी कंट्री होने की वजह से वो मैप बना रहा है, बाकी जगह पे सादा चार्ट बनाएगा। उसके ऊपर हम अमाउंट डालेंगे। अब इसको समझने के लिए और एक चीज काफी जरूरी है। इधर ये चार टाइप के एरो आते हैं जो काफी समझने में दिक्कत होती है, तो पहले इसके साथ और एक विजुअल डालते हैं। कार्ड टाइप के हिसाब से मैं एक पाई चार्ट बनाता हूं। ये क्यों जरूरी है समझने के लिए कि ये जो एरोज ऊपर आए उसका कैसे इस्तेमाल करना है। अभी देखिए कि अगर हम समझो इंडोनेशिया पे क्लिक करें, इंडोनेशिया कंट्री है, उसके नीचे सिटी है, हमको लगेगा अच्छा इस पे क्लिक करेंगे सिटी दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखेगा। क्या हुआ? उसने बाकी जो विजुअल है उसको फिल्टर किया इंडोनेशिया के हिसाब से। ऐसे चलता है। सो ऑस्ट्रेलिया बोला तो ऑस्ट्रेलिया का फिल्टर होगा, वापस क्लिक करेंगे फिल्टर निकल जाएगा, वो ठीक है, लेकिन हमको अंदर जाके सिटीज देखना है, उसका कैसे करेंगे फिर? इसलिए ये जो एरो है वो काम का है, वो तय करेगा कि कोई भी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो उससे फिल्टर होगा या उसके नीचे हायरार्की में जाएंगे। अगर इस पर क्लिक नहीं किया हुआ है तो वो फिल्टर जैसा काम करेगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ होगा नहीं, वो सिर्फ बताएगा कि अभी क्लिक करने से फिल्टर नहीं होगा, अंदर जाएगा। सो अभी अगर मैं इंडोनेशिया पे क्लिक करता हूँ तो वो सिटीज दिखाएगा और फिल्टर नहीं होगा। अभी इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो भी फिल्टर नहीं होगा, उसके नीचे कुछ है ही नहीं, ऊपर कैसे आएंगे? इसलिए ये ड्रिल अप वाला एरो यूज होता है। अगर इसको हटा देंगे तो अभी फिल्टरिंग चलेगा, अगर इसको दबा देंगे तो अभी ड्रिल डाउन चलेगा। ऐसे ये दोनों एरो काम करते हैं। ये चारों एरो समझने के लिए काफ़ी समय लगेगा, वो एक अलग वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।